पाकिस्तान का रोल भी पहले पाकिस्तान पहले परवेज इलाही के घर में जो हुआ है उसका पत्थर बंद गाड़ी ने उसका घर तोड़ा है, जो औरतों से हुआ है जिस तरह का वो, यानी क्योंकि मुझे तो पता है मेरे घर में वो हुआ है, मेरी बीवी अकेली यहाँ बत्तर बंद गाड़ी ने दरवाजा तोड़ा और यहाँ 40 पुलिस वाले चारों ऊपर नीचे, यानी देखें जो जो ये किया जा रहा है ना, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ और मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे अचीव क्या करने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ एक ही समझ आ रही है कि एक साल से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो पार्टी और मजबूत होती जा रही है, वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है, अब वो इधर आ गए हैं कि खौफ फैलाना चाहते हैं। अच्छा, कि किसी तरह खौफ इतना फैल जाए औरतों से जो, देखिए लोगों को, मुझे जो सबसे ज्यादा मसला है ना, देखिए मेरे, मैंने लोगों से बात की अपने, मैं तो जब से निकला हूं, मैं अपनी जो जेल में अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है, वो बेचारे साथ अंडरग्राउंड ही है, लेकिन जो मुझे समझ आई है कि देखिए लोग अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन घर की औरतों के ऊपर कोई नहीं बेचारा टॉलरेट कर सकता। मुझे जो तकलीफ हुई, मुझे कोई तकलीफ जेल में जाके जो भी होता है, गोलियां भी लगी, लेकिन मेरी बीवी अकेली घर में दो दफा इन्होंने दावा बोला, एक दफा वो अकेली और दूसरी दफा नैब आके उसको अरेस्ट करने के लिए आगे, यानी बाहर पुलिस वारंट निकाल दिए, किस चीज के ऊपर, कि वो ट्रस्टी है। ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ट्रस्टी को ना कोई पैसा मिलता है, ना तनख्वाह मिलता है, ना कुछ होता है, वो ट्रस्टी होने के ऊपर एक, और ट्रस्टी भी किसका, अलकादर, अलकादर का उसका है क्या कि सीरत नबी के ऊपर रिसर्च करनी है, यानी वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटी से खड़ा करना है, उसकी ट्रस्टी होने के ऊपर उसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाल दिया। ये कभी ऐसे नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, औरतों के ऊपर कभी ऐसे नहीं हुआ।